देश ने सेलिब्रेट किया yes, भाई इस मोमेंट एवरीथिंग वाज अबाउट हिम ऑन दैट डे जितने युवा मुझे लगता है कि उनका पहला सपना आईपीएल होता है फिर टीम इंडिया होती है और उसके बाद थर्ड टेस्ट क्रिकेट क्या बंदा का अच्छा हाँ, इंडिया में जुड़ थोड़ी, थो थोड़ी खेलते हैं बोला कि आपको मॉडल्स नहीं चाहिए खेलने के लिए दोस्तों ना मेरा नाम है राजेश और आज हम बात करने वाले हैं उस क्रिकेटर के बारे में भाई जिसका जब टेस्ट डे भी हुआ तो नॉट एग्जेजरेटिंग नॉट लाइंग बट एक दिन मुझे मैं भूल ही गया कि विराट कोहली कुछ पर्सनल इश्यूज़ से भी डील कर रहा हूँ पूरे देश ने सेलिब्रेट किया एवरीथिंग ऑन दैट डे एंड व्हाई इज इट सो इंपॉर्टेंट हम उसकी बात करने जा रहे हैं कि भाई क्यों ये इतना बड़ा है व्हाई सरफराज खान डेब्यू सच अ बिग थिंग हैवी कैन ही पे द ओवर हाइप्ड तो नहीं 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 बिल्कुल वो डिजर्व करता था रेड बॉल क्रिकेट वो बहुत टाइम से खेल रहा है परफॉर्म कर रहा है बहुत से ऐसे खिलाड़ी जो उससे कम डिजर्व करते थे वो आके डेब्यू करके खेल के चले गए या बैठे हैं अभी भी लेकिन उसको मौके नहीं मिल रहे थे बार बार इस पर बातें हो रही थी थोड़े विवाद भी हुए कि उसने ऐसा क्यों कर दिया कोई बोला उसने मुझे उंगली दिखा दी ये सब किया लेकिन ऐसे ऐसे क्यों उसके फिटनेस पे सवाल उठाए गए कि भाई ये फिट नहीं है सुनील गावस्कर ने बोला कि आपको मॉडल्स नहीं चाहिए खेलने के लिए क्रिकेटर्स कम इन ऑल शेप एंड साइज मैदान में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं सब हाँ, कर रहे हैं भाई अब तक शॉर्ट लग रहे हैं तो सिक्स पैक एब्स और ये सब तो अब होने लगे आज से पहले तो खिलाड़ी भाई वो वो चीजें इंस्टाग्राम पे ही चलती हैं हां मतलब वो ऋषभ पंत के रन नहीं आ रहे ऋषभ पंत ने क्या मैच नहीं जीता है या वो थक जाता था रन भाग जाता में क्या वा 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 था, था सब चल रहा था सब चल रहा था, था। रोहित शर्मा यार जिसके फिटनेस में आज तक बोल रहे हो गया हाँ। यो -यो तो लाता है और अच्छा सबसे सबसे ज्यादा डबल सेंचुरी उसकी हाँ। तो उसको लंबी बैटिंग करनी आती है सब कुछ आता है जो अलग मापदंड शुरू हो गए नई नई चीज तो वही था इंस्टाग्रामी है बट सरफराज खान बिकम फर्स्ट क्रिकेटर डेब्यू फॉर इंडिया विदाउट आउट विजिटिंग आलिमा की विदाउट ऑफ वाइट के कपड़े विदाउट एनी टैटू कोई नहीं कुछ कुछ नहीं क्रिकेट मैच में डालो उसका सपना ही वो था वही वो खेलना चाह रहा था सबसे मतलब और ये अच्छी बात है ये बहुत इंस्पिरेशनल बात है क्योंकि आज के जितने युवा है मुझे लगता है कि उनका पहला सपना आईपीएल होता है फिर टीम इंडिया होती है और उसके बाद थर्ड टेस्ट क्रिकेट हाँ हाँ जहाँ मुझे लगता है कि रेड बॉल

खानी निकल के भाई को शिकायतें भी नहीं की तो अभी मैं देखता हूँ छोटे-छोटे मैटर पे ही खिलाड़ी स्टोरिया यही उस, तो, तो सेलिब्रेशन ही था शायरिया वायरिया है कुछ बोला भी होगा तो चलो पापा का होना बन जाता है बट उन्होंने खोया ना ऐसा तो है उनके फोन में इंस्टाग्राम आईडी लॉग नहीं थी उनको स्टोरी डालने आती थी उनकी सरप्राइज भी डाल देता जी उसके की पे इमोजी पूरी नहीं आती है <laughs> वो भी डाल सकते थे लेकिन संयम उन्होंने रखा ये मुझे बहुत बड़ी चीज लगती है।, है उसके नीचे से लड़के आके वही नौ नो दस दस करोड़ रुपए साल की आई के आईपीएल में लेके जा रहे हैं उस बेचारे का आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट बीस लाख रुपए का है डोमेस्टिक खेल रहा है ठीक है इंसान को मेचोरिटी टाइम के साथ आती है उसे आर ने रिटेन किया था विराट कोहली ने बहुत ट्रस्ट किया था तब वो नहीं चला लेकिन उसके बाद उसने मेहनत करी और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बहुत अच्छा खेला भाई उसकी बिहानिया है घर में टर्फ बना रखा है रोज की कुछ पांच सौ हजार बोले तो खेलता ही है वो वो तो पाकिस्तान वाले हम चाचा भी भी थे मेरे उसके के <laughs> नहीं, <laughs> नहीं, नहीं नहीं नहीं, नहीं ये तो खेलता है आ, इसका है कि मैं इतनी करता करता ही अब करता चीज़ दिखी भी थे। जब कल आया भाई कल आया तो भी तो ऐसे स्वीप शॉट मतलब उसने मारे वो जो स्पिन कॉन्फिडेंस के हाँ निकल निकल के मार रहा है पहले मैच का और जबकि कितना प्रेशर रहा मेरी वीडियो चल रही है ये बहुत ज्यादा वो है

नहीं करना चाहिए था जडेजा को मेरा था और क्या है उसे ही पता है नहीं करना चाहिए था बट वो लगी भी तो बहुत दिनों बाद लगी है। भी तो है यार क्या करूं वो बहुत मतलब लेकिन उन्होंने बाद में माफी भी मांग ली जडेजा ने बड़ा पर है यार आपने माफी मांगी इस चीज पर जडेजा सीरियल वो भी तो है ना ऑफेंडर ऐसा नहीं गो है भाई पहली बार हो गई जहाँ मैटर बड़े होते हैं वहाँ खड़े होते, होते हैं और ये नहीं कि भाई ऐसा नहीं कि वो गन फील्डर है बहुत बढ़िया रन आउट मतलब भी करते भी हैं करते भी हैं एक बार अपनी टीम को भी करा देता है रेगुलरली और क्रंच मौकों पे जहाँ कोई अच्छा बल्ला चल उसे करवा दिया उसने नहीं होता तो यही होता कि

सरफराज ने ये इतना होते हुए देखा है उसके से सामने मतलब। से लौंडे आगे निकल के सब करके चले गए बहुत वो एक ही काम करता रहा कि रन मारो रन मारो बार बार मारो रन मारो, मारो। खूब सारे मारो एक ही चीज़ बताती होती है और इसीलिए मुझे लगता है कि सबने उससे वो कनेक्ट फील किया कि हाँ भाई इसको इसका ड्यू मिलना चाहिए जब मिला सबको वो सबको और अब तो वही है विराट कोहली केल राहुल दोनों आ जाएंगे बार बैठना पड़ेगा श्रेसैर तो बहुत मुश्किल है अब जो परफॉर्म करे उसे खिलाया जाए उसे खिलाया जाए कि उनकी पूरी फैमिली की एक सोच तो वो भी निकल के आई कि उसके पापा इकबाल अब्दुल्ला को और ऐसे बहुत सारे बच्चों को यूपी से लेके आए बॉम्बे तो भाई मैं ट्रेन करूंगा तुम सबको और बनाऊंगा तो इकबाल अब्दुल्ला इंडिया खेल गया मतलब इंडिया तो नहीं अंडर नाइनटीन खेल गया आईपीएल में बिक गया है वो उसके बाद पापा ने थोड़ा बोला होगा तो उल्टा जवाब दे दिया इकबाल अब्दुल्ला ने मेरे में टैलेंट था मैं खेला तुम किसी को भी बना सकते हो अपने लड़कों को बना दो मतलब ये उनकी साइड ऑफ स्टोरी है मे भी इकबाल उद्लाई कुछ और हो बट ये प्रॉपर रिपोर्ट छपी जाएगी वो बारे दुखी हो गए याद करके इस बात को। हो गए दुखी होंगे क्या ऐसे कल के बाद एक टाइम था अंगूठा काट के दे देते दे दे गुरु जी कोई इज्जत नहीं गुरुजी के बच्चे भी सवाल उठा सवाल उठा दिया तो आज इनके दोनों बच्चे भाई एक इंडिया खेल रहा है अंडर भाई भाई अच्छा नाइनटीन ना में भी और वो तो और बहुत छोटा है भी वो भी पंद्रह सोलह का ही है अभी तो आई थिंक थोड़ा ऐसे ऐसे प्लेयर निकल के आते हैं परफॉर्म भी कर देते हैं और मुझे कि... सबसे जो खुशी की बात है ना कि रेड बॉल के प्रॉपर सीरियस लेते नहीं है यार हमें वो और हमें चाहिए इम्पोर्टेंट हम, तो है और हम तो तो हमारी बैटिंग तो बहुत ही हग्गू हो चुकी थी हमारे यार लीडिंग जडेजा बैट्समैन रन बना के बनाते हमारे नीचे वाले जो मेन बैट्समैन वाले तो कुछ नहीं करते कुछ नहीं करते थे हमें चाहिए थे जो प्रॉपर स्पेशलिस्ट हो स्पेशलिस्ट क्योंकि स्पेशलिस्ट भी रन नहीं उन्हें बार बिठाना पड़ा बैठाना पड़ा तो वेरी हैप्पी फॉर सरफराज खान वेर ही रीच्ड हम चाहते हैं ऐसी स्टोरीज और निकलती, और निकलती रहे और, और सक्सेस स्टोरी क्योंकि मोटिवेशनल होता है बिल्कुल चाहिए यार मोटिवेशन देश के सरफराज खान है। चार साल पहले पैदा हो गए 2001 में होते उन्हें तो बस ये होता मेरी रिस्क कैसी लग रही है मेरे कपड़े कैसे लग रहे हैं चेन आ जाए एक पल नेकलेस आ जाए मेरे गले में

मेच्योरिटी ये भी दिखाती है जब क्योंकि इनके रनआउट होने के बाद बहुत गालियां दी लोगों ने सोशल मीडिया पे था रहा था, जी रहा था और सर्फराज कल, सर्फराज कल अगर कल के दिन इलेक्शन होते हो के खिलाफ जाता मोदी जी बारह सौ वोट से हट बोलते बन जाओ ही बोले कल तो पूरा देश सरफराज के साथ था हाँ और सरफराज ने फिर ये आके बोला तो खेल में चलता है दुख नहीं है मुझे खुशी इस बात की है कि जडेजा भाई की सेंचुरी हो गई तो ये दिखाई और परिपक् वो मेच्योर अच्छी बात है

एवरी थिंग एज कम डाउन टू इंस्टाग्राम विच इज वेरी सैड या आपको क्या कहना है इस पूरी जर्नी पे सरफराज की डू लेटर्स नो इन द कॉमेंट्स हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक लाइक लाइक शेयर ही शेयर सब्सक्राइब सब्सक्राइब